वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेंगे आवर टू एन हस्बैंड स्टेटस। तो चलिए इसका पार्ट का स्टार्टिंग करते हैं। अब हम देखें फुल टू डेज बाद का सीन, जहाँ पे ना जिम और जिमेशी ना जा रहे थे अपने ना का जो ड्राइवर अंकल के आने का वेट कर रहे थे। तो ना जो जिमिन को ना अचानक से कुछ याद आया, तो वो कहते कि ना जिमेशी। तो फिर ना जो जिमेशी ना फुरन उसी तरफ मुड़ते हो गए थे, क्या हुआ? तो वो कहते हैं ना मुझे ना लाइब्रेरी से कुछ बुक चाहिए, तो तुम एक काम करो, तुम ना कैंटीन में जाके मेरा वेट करो, मैं ना वो जल्दी से ना वहाँ से लेके आ जाता हूँ। तो वो कहते ओके ठीक है। तो फिर ये बोलते हैं बिकॉज आज ना वो था, दोनों वहां से ना चल जाते हैं। अब हम देखते हैं जिमिन को जो ना आता है, जो उसमें आता है लाइब्रेरी में आता है और बुक ढूंढ रहा था, तो उसके ना पीछे से आवाज आती है। तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं, कहते हैं ओ यू आप यहाँ। तो फिर वो ये बोलते और फिर ना स्माइल कहता है। तो फिर ना जो उस अननोन पर्सन होता है वो भी ना स्माइल करता है, फिर कहते हैं ना तुम कैसे हो। तो फिर ना जो जिमिन ना स्माइल करके कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहते हैं जिमिशी। तो फिर कहते हैं ना हाँ वो भी बिल्कुल ठीक है यूँ। तो कहते हैं ना तुम यहाँ, तो कहते हैं यस हम स्टूडेंट्स है। तो फिर कहते हैं ना स्टूडेंट्स अच्छा, तो तुम्हारे हस्बैंड्स ने तुम्हें यहाँ नहीं दिया। तो फिर ना जो जिमिन ना सर हाँ मिला देते और कहते हैं उन्होंने हमें ना परमिशन दे दिया, पहले नहीं दी थी पर अब दे दिया। सब कहते हैं ना पहले नहीं दिया था, फिर इतनी जल्दी मान कैसे गए, तो मैं स्कूल कैसे तो मैं कॉलेज के कंटिन्यू कैसे करने दिया। तो फिर ना जो जिमिन ना साइलेंट हो जाता है। तो फिर कहते हैं क्या हुआ बता सकते हो तुम मुझे, मैं बिलीव कर सकते हो तो मुझे बता दो। तो फिर ना जो जिमिन ना अपना हेड ऊपर करके कहते कि वो दोनों ने हमारे साथ एक गेम खेला था, हमने एक गेम प्ले किया था और उसके बाद फिर उन्होंने हमें परमिशन दे दिया था। तो फिर कहते हैं ना अच्छा किस तरह का गेम? तो फिर कहते कि उसमें हमें उनका ऑर्डर मानना था। तो फिर कहते हैं ना अच्छा क्या मैं पूछ सकते हैं किस तरह का ऑर्डर था? तो फिर जो जिमिन का ना अजीब सा ना ब्लश था, फेस हो गया था उसका, रेड हो गया था, बिकॉज उसको याद आया था कि ना उन्होंने क्या किया था। उनको ये पता था, उनको ये नहीं पता था कि एक्चुअल में क्या चीज़ है और वो दोनों उसके साथ क्या कर रहे हैं, बट उनको ना वो चीज़ ना जब भी वो सोते तो ना उनका फेस डेड हो जाता है, जो वो कॉन्टैक्ट था बॉडी कॉन्टैक्ट तो था ना, तो उसकी वजह से। तो फिर ना जो जिमिन का फेस ना फुल रेड हो जाता है, तो जो अननोन पर्सन था ना वो उसके ना एक्शन से ना और इस तरह के रिएक्शन से समझ जाता है कि उन्होंने क्या किया होगा। अननोन पर्सन था वो एक गहरी सांस लेते और फिर ना जिमिन की तरफ देखने लगते, जो जिमिन अपना नीचे करके बैठा होता है। तो फिर ना वो कहते जिमिन, तो फिर ना जो जिमिन अपना हेड ऊपर कहते हैं कहते यस यूँ। तो फिर कहते कि मुझे तुमसे कुछ बात करना था। फिर कहते कि ना यस यूँ आप बोलो। तो फिर कहते कि बट तुम्हारे पास क्या टाइम है, ऐसे तुम्हारा जो है कॉलेज ऑफ हो चुका है, तो वो तुम्हारा बेटा कर रहे हो ऐसा कर के कोई मसला नहीं। तो फिर ना कोई मसला तो नहीं। तो फिर ना जिमिन की ना बिल्कुल आइस वाइंड हो जाती, बिकॉज हाँ वो तो यहाँ पे काफ़ी देर से था, उसको बुक ढूंढने में काफ़ी टाइम लगे था और वो कहते हाँ हाँ वो हेड मुझे जाना होगा। तो फिर ना ये बोल रहा, फिर ना वो पर्सन ना जिमिन का हाथ पकड़ लेते, कहते रुको मेरे पास सुनो। तो फिर कहते कि ना यस यूँ। तो फिर कहते कि ना मैं आज यहाँ पे आया था एज ये मेरा फादर, ये जो कॉलेज है ये मेरे फादर ऑन करते हैं, तो मैं यहाँ पे आया था सर्वे के लिए, एज मेरे फादर का तबीयत खराब था तो मैं आज आया था, बट मुझे तुम मिल गए। तो फिर मैं ये बोलना चाहता था कि मुझे तुमसे कुछ दिनों तक ना इस तरह बात करना है, तो फिर क्या मैं कर सकता हूँ? तो फिर कहते कि ना हाँ यस यूँ कोई मसला नहीं। तो फिर कहते ठीक है और एक और बात भी, तो भी जो भी मेरे बारे में जो भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ये किसी को बताना नहीं, ना शुगा और यूंगी को और ना ही उन दो ना ही जिमिशी को। तो फिर कहते कि ना बट क्यों हूँ? तो फिर कहते कि ना ठीक है ना जिमिन जितना कहा उतना करो ठीक है। तो फिर कहते ओके यूंग, वो बोलता है फिर ना वो करता है और फिर ना वहाँ से चल जाता है। और वो जो पर्सन होता है वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, वो जो अननोन पर्सन था। जब हम देखते हैं जिमिन को जो ना जिमिशी के पास आता है और फिर ना जिमिशी बहुत से तो गुस्से में था और फिर कहते हैं तुम कहाँ चले गए थे, मैं इतनी देर से वेट किया था, अगर उन दोनों ने गुस्सा किया ना मैं बता दूँगा कि तुमने लेट किया था। तो फिर ना जो जिमिन ना सर हाँ मिला देते और फिर उसके बाद ना वो दोनों पर आते, तो देखते हैं ना जो ड्राइवर अंकल थे वो आए थे, तो वो ना फौरन उनके पास जाते हैं, कहते हैं ना मैं आप दोनों का कब से वेट कर रहा हूँ आप कहाँ थे? तो फिर ना वो कहते हैं ना सॉरी सॉरी, वो बहुत कार में बैठ जाते और फिर ना वो जैसे घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर ना शुगर और यूंगी ना ऑलरेडी बैठे होते हैं।
जैसे उन दोनों के पास आता है तो फिर ना जो योंगी ना कोलोस में बोलता है कि तुम हाफ आवर लेट क्यों, क्या हुआ था। तो फिर जो जिमिन है ना बिल्कुल साइलेंट होता है और ना जिमिन भी ना सर नीचे करके खड़ा होता है। तो फिर ना जो योंगी ना तो ऐसे बोलता है कि मैंने क्या कहा, बस वही आया। तो फिर जो जिमिन शी बोलते कि सॉरी वो हम लाइब्रेरी में एक बुक ढूंढने गए थे, उसको बुक ढूंढने में टाइम लगा था। तो फिर ना जो जिमिन शी की तरफ देखने लगता है और फिर ना अपना वापस हेड नीचे कर लेता है और फिर ना दोनों ना उसकी तरफ कुछ देर तक देखते हैं और फिर कहते हैं ओके फाइन, जो जल्दी से जाके फ्रेश हो गया हमें भूख लगी है और जल्दी से ना आके बना लंच बना। तो फिर कहते हैं ना ओके, तो फिर ये बोलता है और फिर ना वहाँ से नहीं चले जाते हैं। उसके बाद फिर आते हैं और फिर ना जब वो बना रहे थे लंच डिनर बना रहे थे, वो सब तो काफ़ी देर हो गया ना, कॉलेज का पैसे पहले ही टाइम बहुत ज़्यादा हुआ था। तो फिर उसके बाद ना उसे बना रहे थे ना, तो उसके बाद ना वो दोनों आ जाते हैं और फिर ना वहीं पे ना जो रफली ना अल्टीमेट भी होना स्टार्ट हो जाते, मीन उन दोनों को करने ही देते हैं। तो उसके बाद फिर उनका रात को जाके ना डिनर होता है और अब ना बिल्कुल नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे ना दोनों ना फ्री बैठे थे और जो जिमिन था ना वो उसी पर्सन के बारे में सोच रहा था जो कल उनको मिला था और फिर ना वही सोच रहा था कि मुझे जाना चाहिए। तो फिर ना वो कहते कि ना आज हमारा क्लासेस जल्दी ख़त्म हो गया, आज हमारा हाफ डे था, हमारा हाफ डे था, क्लासेस जल्दी ख़त्म हो गए, अभी कैफेटेरिया का टाइम है तो मुझे जाके देखना चाहिए, मैं भी वो आ गया हूँ आ गया। तो फिर ना वो माइंड में सोचा था और फिर ना जिमिशी की तरफ देखते हैं, जिमिशी ना खाना खा रहा था। तो फिर कहते कि ना जिमिशी, तो फिर ना जो जिमिशी ना जिमिन की तरफ देखने लगते क्या हुआ। तो फिर कहते कि ना मुझे काम है, मैं ना अभी मैंने ना लाइब्रेरी में मिल जाऊँगा तो वहाँ आ जाना। तो फिर कहते कि बट कहाँ जाते हमें अभी घर भी जाना है। तो फिर कहते कि ना इसके बाद हमारा एक पीरियड है पड़ा तो उसके बाद हमारे घर जाना है। तो फिर ना जो जिमिन लगता कहते हैं मैं टाइम पे आ जाऊँगा तो बोलते और फिर ना वहाँ से ना चल जाए। तो फिर ना जिमिन से ना उसकी तरफ देखते हैं, फिर कि ना ये आजकल ये अजीब बिहेव कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है। तो फिर ना माइंड में सोचते हैं और फिर ना उसके बाद ना इग्नोर करते हैं इस चीज़ को और फिर ना उसके बाद ना वो उसी टाइम पे ना बेल हो जाता है। तो फिर वो सोचते हैं कि ना पीरियड का टाइम हो गया, तो फिर वो वहाँ जाता है और सो जा रहा कि जो जिमिन है वो वहाँ आ जाएगा, बट देखते हैं जिमिन वहाँ भी नहीं आया था। तो वो ना पूरा पीरियड में ना उसका वेट करता है बट जिमिन ना उसको फिर भी नहीं मिलता। उसके बाद ना जो पीरियड का टाइम खत्म हो जाता है तो फिर ना जो जिमिन ना फिर से बाहर आता है, जिमिन शी बाहर आता है और फिर ना पूरे कॉलेज में ढूंढने लगता है, इवन के वहाँ लाइब्रेरी में जाता है बट कहीं नहीं उसको मिलता। तो फिर ना जो जिमिन ना बहुत ज़्यादा जो था ना जिमिन शी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते थे कि जिमिन कहाँ गया। तो वह सोचता है कि ना मे बी वो उसको ना ढूंढ रहा, तो उसको फुल कॉलेज में ढूंढते बट नहीं मिलता। उसके बाद ना वो जब जा रहा होता है तो वो देखता है कि ना जो जिमिन है वो ना ऊपर रूफ टॉप से आ रहा, तो फिर ना वो कन्फ्यूज रहते थे कि ये रूफ टॉप पर क्या कर रहा था। और ना जिमिन ना जैसे जिमिन शी को सामने खड़ा हो देते कहते तुम यहाँ, तो फिर कहते ना तुम रूफ टॉप पर क्या कर रहे थे। तो फिर ना जो जिमिन ना उसकी तरफ कुछ देर तक देखते हैं, फिर कहते कुछ नहीं कर रहा था, तो बोलते वहाँ से चल जाते हैं। कहते कि ना जिमिन मेरी बात कहाँ से आता है, तुम ऊपर कर कह रहे थे। तो फिर ना जिमिन कहते कि ना जिमिन शी तुम्हें बात बात पर मुझे पूछने का जरूरत नहीं है। तो फिर कहते कि ना मुझे बताओ ना तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तुम मुझे लाइब्रेरी का बोल के गए थे और फिर तुम पीरियड में भी नहीं आए और अब रूफ टॉप से आ रहे थे। तो फिर ना जो जिमिन शी के ऊपर ना जिमिन चिल्ला देते हैं, फिर तुम ऐसा मसला क्या है, मेरी खुद का भी प्राइवेट लाइफ है, तुम मेरा ज़्यादा एंटर ना हो मेरी लाइफ में, ये बोलता फिर ना उससे भी चले जाता है और ना कार में बैठ जाते और वो जो ड्राइवर कहते वो फर्स्ट टाइम शो करते बिकॉज वो इंदौर हुआ तो बहुत अच्छे से इतना टाइम हो गया था तो जानते थे, बट जब वो आ जाए ना फर्स्ट टाइम देखते हैं ब्लास्टर्ड हुआ जिमिन को जिमिन शी के ऊपर, तो फिर वो ना शौक था और ना जिमिन शी खुद शौक था बिकॉज ये फर्स्ट टाइम था कि ना जो जिमिन ना उस पर चिल्लाया हुआ या इस तरह गुस्सा किया हुआ। और फिर वो भी कंफ्यूज था कि और इधर जो जिमिन है वो ना बिल्कुल वही सोचा था कि ना अभी अभी जो वो अननोन पर्सन और जो जिमिन के बीच में ना वो सारा कन्वर्सेशन हुआ था तो उसी को सोच रहा था और उसका ना जिमिन शी पर बिल्कुल ध्यान नहीं था और जिमिन शी को ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर ना वो घर आते हैं और ना वहाँ पे ना युवा और युवी ना बैठे हुए थे और फिर ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और फिर ना वो आते हैं उठते हैं और फिर ना उन दोनों को देखने लगते हैं और वो दोनों ना उन्हें हैंड नीचे करके बैठे खड़े हुए थे। तो फिर ना जो शुगर ना उसके पास जाता है और ना
जीवन शिखे ना हेयर को टाइटली ग्रैप कर लेता है, तो मैंने जो जीवन कुछ बोलने वाला था बट ना सेम ना यूंगी भी यही करता है जीवन के साथ। तो फिर जो जीवन कहते हैं कि ना छोड़ो मुझे, तुम तुम हमारे कोई मास्टर नहीं हो और हम तुम्हारे कोई स्लेव है जो तुम हम इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, तुम्हारे हस्बैंड है, छोड़ो हमें, वो ना गुस्से से बोलता है। और फिर ना जो शोभा और यूंगी फुल शौक थे कि आज जीवन को क्या होगा, उसको इतनी जबान कहाँ से लगा है। तो कहते हैं ना तुम्हें आज ये जबान कहाँ से लगा है, तुमने तो पहले कभी नहीं बोला। तो फिर ना जो यूंगी ना ये बोलता है, तो फिर ना जीवन ना उसको धक्का दे देता है, कहते हैं दूर हटा मुझसे ये बोलते हैं। और फिर ना गुस्से में ना उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर कहते हैं कि ना तू आईने मुझे हाथ लगे तो मुझसे रोका नहीं हुआ बोलते। और फिर ना वहाँ से ना अपना बैग लेते और वहाँ से चले जाते। और ना वो तीनों ही शौक थे, इवन कि जो शुगा का ना शुगा ने जब जीवन का ये बिहेवियर देखा तो वो खुद भी शौक होता है, उसके चक्कर में उसका जो ग्रिप भी ना लूजन हो जाता है जो उसके ना हेयर्स पे था जीवन के। और फिर जीवन खुद जीवशी खुद भी शौक था। और फिर ना वो दोनों ना जीवन जीवशी की तरफ देखते हुए कहते तुम दोनों लेट क्यों थे आज। तो फिर ना जीवंगी बोलते कोल्ड वॉइस में। तो फिर ना जीवशी ना अपना सर नीचे करके बोलते कि पता नहीं जीवन जीवन कहाँ चला गया था, मैं उसको वो मुझे कैफेटेरिया के टाइम में बोल के ये था कि वो लाइब्रेरी में जा रहा है, बट उसके बाद हमारा एक पीरियड था उसमें भी वो नहीं आया। इसके बाद मैंने इसको जब लाइब्रेरी में जाके ढूंढा वो वहाँ भी नहीं था, पूरे कॉलेज में नहीं था। बट जब मैं गया था तो मैंने उसको देखा वो रूफ टॉप से आ रहा था, और तब से वो बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। तो कहते कैसा अजीब बिहेव कर रहा है, तो कहते कह रहा वो मेरे ऊपर भी बहुत अजीब तरीके से चिल्लाया है। और कार में भी उसका ध्यान नहीं था किसी भी बात पे, ड्राइवर अंकल कुछ उसको बोल रहे थे बट उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उस बात पे। तो फिर ना दोनों ना उसकी तरफ देखते रहे कहते जाग जाके फ्रेश हो जाओ। तो फिर ना जो जब ये ना अपना सर हिलाता है फिर ना वहाँ से जाने लगता बट ना रुक जाता है। और फिर ना उन दोनों की तरफ घूमते और कहते कि मैं क्या कुछ टाइम का फ्री ले आज रात के दूसरे रूम में सो सकता। तो कहते क्यों ऐसा क्यों, तो कहते कि ना मुझे एक असाइनमेंट करना है। और जिमेशी का और जो जिमे है उसका ना तबीयत और उसका तबीयत मुझे सही नहीं लग रहा है, तो उसका भी असाइनमेंट मैं करूँगा अगर आप बुरा ना मानो तो। वो दोनों ना घुर के देखते हो कहते कोई जरूरत नहीं है। तो कहते हैं बट ये इम्पोर्टेंट जरूर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर कहते हैं कि ना जमीन अपना खुद करेगा, तो फिर कहते वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने लास्ट जो पीरियड था उसने अटेंड नहीं किया तो उसको नहीं पता चलेगा। तो फिर ना वो उसकी तरफ देखने लगते हैं, फिर कहते हैं ना वो तुम्हारी हेल्प कराएगा, तुम दोनों आज दूसरे रूम में सो जाए ना। तो फिर जो जमीन शी ना स्माइल करता है, वो कहते हैं कि ना थैंक यू ये बोलता है वहाँ से चल जाता है। और दोनों अभी भी जीवन के बारे में सोच रहे थे कि जीवन का क्या हुआ था। जीवन का सीन जो है ना शॉवर ले रहा था और ना वो सारी बातें सोच रहा था जो उस के बीच में और ना उस अननोन पर्सन के बीच में थी। तो जो जीवन था अब हम ना बिल्कुल फ्लैशबैक से देखते हैं जो ना जो जीवन ना वहाँ से जाता है और फिर ना वहाँ पे आ जाता है, मीन्स जहाँ ना उस अननोन पर्सन ने उसको बुलाया था। तो फिर ना वो वहाँ जाता है और फिर ना वो अननोन पर्सन उसको कहते हैं मेरे पास आ मेरे पास सुनो। तो फिर ना जो जीवन ना उसके पास जाता है कहते यस। तो फिर ना जो यूंग ना पर्सन जो था वो एक ही सांस लेता है, फिर कहते हैं ना तुम्हें पता है सेक्स क्या होता है। तो फिर कहते हैं हाँ क्या। तो फिर कहते कि ना जो तुम्हारे साथ तुम्हारे हस्बैंड्स करते हैं ना वो कोई गेम नहीं है वो सेक्स है। तो फिर कहते क्या मतलब। तो कहते हैं हाँ ये इसको अल्टीमेट होना भी बोलते हैं। तो फिर कहते हैं कि ना बट यूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर कहते हैं ना वो जो भी वो तुम्हारे साथ करते हैं क्या तुम उसमें खुश होते हो। तो फिर कहते क्या मतलब। तो फिर कहते क्या वो तुम्हें फोर्स करते हो। तो फिर कहते हैं ओके मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर कहते वो तुम्हारे से फोर्सफुल अल्टीमेट होते हैं या तुम्हें ना या तुम अपनी मर्जी से होते हैं तुम उनके पास खोज जाते हैं या फिर वो तुम्हें ना फोर्स करते हैं निकले। तो फिर ना जो जिमिंग ना अपना हेड नीचे कर लेता है और फिर कहते कि वो आते हैं हमारे पास। तो फिर कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड जाते हैं मीन्स बहुत ज़्यादा तुम्हें पेन होता है बहुत ज़्यादा। तो कहते हाँ मैं और जिमी जी काफ़ी टाइम तो क्या तो कोशिश से रहते या फिर ना बिल्कुल ना रो रो रहे होते हैं। तो फिर कहते हैं तो वो दोनों स्टॉप होते हैं। तो फिर कहते नहीं हमारे रोने से वो और ज़्यादा गुस्सा कभी कभी गुस्सा हो जाता है कभी खुश हो जाते हैं सुन के ना वो जो पर्सन होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर वो एक सांस लेते हैं वो कह के ना जिमी तुम्हें ना
तुम जिमेशी से बड़े हो ना, तो फिर कहते हैं मैं 2 मिनट बड़ा हूँ, तो फिर कहते हैं ना हाँ चल गया ठीक है मेरे पास ना। तो मैं ना खुद को भी ना उनसे तुम्हें ना बताना होगा कि तुम्हें ना अपना डाइट लेना होगा, वो गलत कर रहा है तुम्हारे साथ। तो फिर कहते क्या मतलब, तो फिर कहते हैं ना जो जब कोई अल्टीमेट होता है ना तो उसमें ना दोनों हस्बैंड और वाइफ का ना दोनों का परमिशन होता है, बट वो तुम्हें फोर्स करने सिर्फ अपने डिजायर्स के लिए, वो तुमसे लव नहीं करते हैं, वो तुम्हें ना केयर नहीं करेंगे और वो कोई गेम नहीं खेल रहे तुम्हें इतना धोखा दे रहे हैं। तो फिर कहते हैं ना बट तो फिर ना कहते हैं कि ना मेरी बात सुनो जी, मैं तुम्हें ना अब लेना होगा, तुम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हो। तो फिर कहते हैं मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि मैं उनको दोनों का ना कर सकूँ। कहते कि ना तुम सोचो वो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं और तो उनको ना वो देना ठंडा देना कि तुम ना ये सारी बातें ना अब उनके ना अपने मदर फादर और ना उनके ना फादर को बता दोगे। तो फिर ना जो कहते बट तो फिर कहते हैं ना जी मैं तुम्हें करना होगा, वो तो ना तुम्हारे साथ गलत कर रहे हो और उनको अपने गलती का पछतावा नहीं होगा, वो इस तरह करते जाएंगे और आगे चल के तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और फर्ज करो जो जिस तरह वो तुम दोनों को हर्ट कर रहे हैं, क्या वो वाइट क्या वो तुम्हें अब्यूज़ करते हैं, क्या तुम्हें वो मारते हैं, तो फिर ना वो दोनों ना वो चुप हो जाते हैं। फिर हाँ कभी कभी तो फिर ना जो वो पर्सन होते हैं गहरे सांस लेते हो, ये देखिए ना तुम्हें करना होगा जीवन, तुम्हें ना अपने लिए और जिमेशी के लिए ये करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा ना वो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डाउन करना हो जाएगा, तुम पछताओगे आगे चल के। तो फिर कहते बट मैं क्या करूँ, तो कहते हैं तुम बस स्ट्रॉन्ग बनाओगे और कुछ नहीं, अपने ना डर को बिल्कुल साइड पे कर दो, वो तुम्हारे हस्बैंड से कुछ ज़्यादा तो नहीं करेंगे बट गलत कर रहे हैं, वो फिलहाल वो गलत कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो समझे बट वो नहीं समझ रहे हैं, तो तुम्हें कुछ करना होगा। तो फिर कहते हैं ना बट तो कहते हैं ना बस बट बहुत हो गया, तुम्हें और कुछ चाहिए, मैं तुमसे ना यहाँ रोजाना आके मिला करूँगा, तो तुम मुझसे ना आगे बता दिया करो, मैं तुम्हें बता दिया करूँ कि क्या क्या करना है। तो कहते ओके ओके यूँ, तो फिर कहते हैं ना चा अब जा चले जाओ, तुम्हारे ना कॉलेज का टाइम हो गया, वरना वो तुम्हारे डबल हस्बैंड ना दिमाग ख़राब हो जाएगा उन दोनों का। तो फिर ना जो जीवन है उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है ओ ओके यूँग, मैं बोलता हूँ फिर ना बाय बोलता है और फिर ना चल जाते हैं। वो पर्सन ना बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उनके देखे ना मीन यूँगी मीन शुआ तुम दोनों बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो उन दोनों के साथ, मैं तुम लोगों को ऐसे ही नहीं जीने दूंगा, रहने दूंगा करने दूंगा इन दोनों के साथ। ये बोलता है फिर ना वो वहाँ से चले जाते हैं और इधर हम वापस हैं वही सीन देखते हैं। तो फिर ना जी ना वही सारी बातें सोच रहा था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और उसको ना समझ नहीं आ रहा था, एक तो उसको कुछ बातें समझ आई थी कुछ नहीं आई थी, तो वो ना वही सोच रहा था और ना जो जमेश था उसको बार बार इरीटेट करता, तो वो गुस्से में ना उसके अंदर उसके ऊपर ही ना ब्लास्ट हो जाता, बिल्कुल ना ब्लास्टर हो जाता और उसका ना बिल्कुल भी ना आइडिया ही नहीं था और ना वो इन्हीं बातों में खोया होता। उस टाइम पे ना जब वो दोनों ना वो कर रहे थे और उसने जब जिमेशी को देखा था तो फिर उसके माइंड में ना वही सारी बातें घूम रही थी, तो फिर ना वो इस तरह से ना अचानक से फिर से गुस्सा आ गया था और फिर ना वो इस तरह चिल्ला दिया था। और ये वाला पार्ट में यहाँ पे एंड करें और मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है कि अननोन पर्सन को ना स्टोरी के बीच में मैंने आपको बीच में ना एक हिंट दिया था, तो जो बहुत जैसे भी बहुत गौर से सुनिए तो उसको आइडिया हो जाएगा। और आप मुझे ज़रूर बताना कि ये पर्सन कौन है और जो भी गलती हुई है उसको सॉरी 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 और टाटा बाय।